माशाल्लाह माशाल्लाह, जो अफ्तारी का सामान है ना, बिल्कुल रेडी हो चुका है और अफ्तारी में 2 से 3 मिनट बाकी हैं। यार तू इधर है? मैंने तो सुना था रमजान में शैतान जो कैद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खास करम है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तमाम मुसलमानों को, तमाम देखने वालों को, तमाम दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक का पहला जो है ना रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है रमज़ान में जो है ना जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। तो पहले ड्यूटी हमारी होती थी मॉर्निंग, अभी नाइट की ड्यूटी हो गई है, तो थोड़ा मुश्किल होता है पहले दिन में, एक दो दिन में एडजस्ट हो जाता है। तो अभी नमाज अज़ान हो गई है असर की, तो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी असर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आके सभी मिलके बनाएंगे अफ्तारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि असर की नमाज़ है जो हमने अभी बाजमात वो अदा कर ली है। तो अभी जाएंगे रूम पे और जाके अफ्तारी के लिए जो सामान है अफ्तारी का उसको करेंगे रेडी, क्योंकि अफ्तारी में जो टाइम है वो अभी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं। तो सामान सारा प्रिपरेशन करते बनाते 2 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद करेंगे अफ्तारी। यार तू इधर है? मैंने तो सुना था रमजान में शैतान जो कैद हो जाता है। और तुम्हें क्या हुआ इसमा, कोई रहाई मिल गई है या क्या कोई और सीन है? तो सबसे पहले तो पकौड़ों का सामान निकालते हैं फ्रीजर से, फ्रिज से। जी सर, छोटी चीजें देना। अफ्तारी का सामान है जो तंजील शेफ तंजील भाई रेडी कर रहे हैं, और अफ्तारी में हम जो है ना वो 4 से 5 डिशें तैयार करेंगे। पकौड़ों के लिए है, उसके बाद बनाएंगे चिप्स, उसके बाद होगी फ्रूट चाट, उसके बाद होगी लस्सी। तो 4-5 डिशें हो जाएंगी, इनफ हैं ये अफ्तारी के लिए। तो आज पहला दिन है, देखते हैं पहला एक्सपीरियंस जो पहली अफ्तारी हमारी कैसी रहती है। ये देखें तंजील शेफ जो है ना कटिंग भी स्पीड में कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनकी बन रही है वीडियो। तो वीडियो जब भी इनकी बनती है ये अपनी स्पीड पहले से थोड़ी ज़्यादा तेज़ कर देती हैं। राणा मोहम्मद तारिक साहब जो है ना माल ले आए हैं और अफ्तारी के लिए और सामान आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, डिशें हो गई हैं। चेक करें, ये है हमारे पास केचप, टोमेटो केचप है। ये है हमारे पास चिली सॉस, चिली सॉस के बाद ये है हमारे पास मायो सॉस। ठीक है, इन सबको मैंने मिक्स करके एक नए वाली सॉस बना दिया, मिक्स सॉस, इसको नाम दे दिया मिक्स सॉस का। ये चलेगी पकौड़ों के साथ। तो पकौड़ों का सामान जो है ना माशाल्लाह रेडी हो चुका है। मिक्स करें तंजील भाई, इसको चेक करें, लुक चेक करें, लुक चेक करें। दब नहीं देना है, मसाले सारे दब नहीं देने, मिक्स करना है इसको अच्छी तरह। चेक करें, गिरियां, बादाम, छिलके उतार रहे हैं राणा मोहम्मद तारिक जोया साहब। अभी बनेंगे फ्रूट चाट, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पकौड़े जो है ना डाल दिए हैं कढ़ाई में, घोड़े हो रहे हैं रेडी। साथ में रखी हुई है चिप्स और ये है पकौड़ों का मसाला। तो गाइस पकौड़े हमारे हो चुके हैं रेडी और अभी हमने डाल दिया चिप्स, चिप्स को कर रहे हैं फ्राई और बाकी सामान जो है वो आपको दिखाते हैं। रेडी हो चुका है तकरीबन, क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है। फ्रूट चाट हो गई है रेडी, लस्सी हो गई है रेडी, सामान है। और इधर से जो हमारा सामान आया, क्या बात है, चेक करें, लालो लाल माल, लालो लाल, लालो लाल। तो फ्रेंड जो अफ्तारी में है ना तकरीबन 10 मिनट बाकी है और हमारा जो तमाम सामान है ना अफ्तारी का रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं लस्सी है, ये फ्रूट चाट है, तंजील भाई ले आए हैं सामान, पकौड़े, लस्सी के पकौड़े चेक करवाएं, क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है। चिप्स रेडी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो अफ्तारी का सामान है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है और अफ्तारी में 2 से 3 मिनट बाकी हैं और सभी माशाल्लाह रेडी बैठे हैं। जैसे ही अजान होगी तो अफ्तारी कर लेंगे, अजान हो रही है, अफ्तारी करने लगे हैं, अफ्तारी का टाइम हो गया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमनतु अलैका तवक्कलतु वअला रिज़्क़िका अफ्तार।
अब्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी अभी हमने कर ली है, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मगरब की नमाज़ के लिए निकल रहे हैं, मगरब की नमाज़ पढ़ के आके फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, मुझे यूएई में रहते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं और ये मेरा 4था रमज़ान इधर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पहला रमज़ान है जो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ा आ रहा है रोज़ों का, क्योंकि पहले जो था ना, जब से मैं आया था तो कोरोना आ गया था, तो उस टाइम से मस्जिदें बंद थी, तो रोज़े रखते थे मतलब घर में ही रहते थे। तो अभी इस तरह का सिस्टम नहीं है, अभी ये कि आप नमाज़ पढ़ सकते हो या तरावियाँ आपने पढ़नी है तो आप मस्जिद में जाते हैं। और दूसरी बात कि इस रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मौसम है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। अभी मैंने सिर्फ शर्ट पहनी हुई है और इस शर्ट में मुझे ठंड लग रही है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इस रमज़ान जो है ना, गर्मी भी पहले की तरह नहीं, बहुत प्यारा मौसम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग आया है पसंद तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मज़ीद ऐसे ही व्लॉग आप तक बआसानी पहुँचते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे आपकी खिदमत में हाज़र एक ऐसे ही व्लॉग के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।